ऐसे भी बोले थे रोटी नहीं ऐसी नहीं बनती जैसी आप बनाते हो। क्यों ऐसी बनती है? बिल्कुल पापड़ जैसी हमारी अच्छी नहीं बनती। अच्छा हम मैं बनाती हूँ ऐसी जैसी फूल जाती ना बिल्कुल नरम ऐसी नहीं होती हमारी। तो हमारी पापड़ होते ना जैसे टाइट टाइट ऐसे। हाँ हम ये बना के दिखाऊंगी। देखूँ बना रही हूँ आप बनाएंगे मेहमानों ने बनाया हमारे घर में खाना। देखो इतनी दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और यहाँ पे ये मक्की की रोटी बना रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनको ना, इन्होंने इनको ना अच्छा लग रहा था ऐसे मक्की की रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो अभी तक तो इन्होंने नहीं बनाई। ये आपने बनाई क्या है? अभी बना रही हूँ। अच्छा पहले ये रोटी अभी बना रहे हैं और ये वाली जो है वो पहले बन चुकी थी। तो ये पूरी कोशिश करेंगे। और ये पता कैसे बोल रहे थे अभी, हम भी ऐसे ही बनाऊ हूँ पर ऐसे नहीं बनू हूँ कुछ ऐसे। बड़ी अच्छी लगती है मुझे इनकी भाषा। राधे कृष्ण जी, देखो हमारे मेहमान खाना बना रहे हैं और इनको चाव है कि मक्की की रोटी नहीं बनाई और यहाँ बना के देखेंगे कि बने कैसे बनती है। ए है चाव, अब बनाने सीखेंगे भी और बनाएंगे भी। ना ना सीखेंगे नहीं, आए आती है इनको। बनाऊ हूँ पर ए थोड़ा ठीक नहीं हूँ। फूलेगी नहीं तो क्या हुआ? फूलती नहीं है कई बार तो क्या आराम आराम से करो आप, जोर जोर से नहीं मारनी, बिल्कुल धीमी धीमे से। अपने आप सारे अच्छी बनेगी। तीर तीर ऐसे 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 तीर तीर ऐसे। हाँ पहले से ना तब आ जाएगी ठीक। ठीक है बस ऐसे बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। देखो जी कितनी अच्छी रोटी बनी। अच्छी बनी ये देखिए जी, ये पलट ली इन्होंने अपनी रोटी। ये पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अपने लिए जो है वो खुद बनाएंगे। ये नहीं खाएंगे हमारी बनाई रोटी, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, आपकी खाएंगे। मतलब इनको अच्छा लग रहा है ये मक्की की रोटी बनाना, तब बना रहे हैं ये। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी ही बने हमारे से भी, क्योंकि आप इसको बनाओ ना, ये अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगी। इसको बनाओ आप, अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और अपने दे घड़े दे पनार भी खरे हो है ना माता? और ये अच्छी रोटी, एक और ये बनने जा रही है और इसके बाद ये भी बनाएंगे है ना जी। ये भी बनाऊ हूँ पर बोल रहे हैं कि फूलते नहीं है हमारा से। फूलने की क्या बात है, बनती रहेगी धीरे धीरे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं फूलने का नहीं, ऐसा नहीं तो हम ज्यादा बनाते हैं ना मक्की की, आपके कम बनाते हैं बस ये बात है।
गांव के लोग ऐसे पसंद भी करते हैं, मक्की की रोटी और बनाते भी ज्यादा है। हमारी माता जी तो ये मक्की की रोटी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये देखिए दूसरी भी बन गई इनके, ये वाली निकाल लो। अच्छी है ये, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सेक ना लगे आपको। तो ये देखिए यहाँ पे ये बना रहे हैं मक्की की रोटी। अब आती है इनको बनाने ना, एक घुमाने से और सब कुछ चीजों से पता लग जाता है ना। लीरड़े पका देते हैं ये, ऐसा बोल रहे हैं है ना, लीरड़े पका देते हैं ना माता, ऐसे बोल रहे हैं ना। ऐसे साइड से जोड़ो उसको, थोड़ा सा पानी लगाओ, ऐसे साइड से जोड़ते चलो, फिर चिपक जाती है। आ जा दी बेटा, अब बारी बारी जो है तो हमारे मेहमान खाना खाना भी सीख रहे और बना रहे हैं। देखो नहीं, ये मना करते हैं ना कि हम आप लोगों के हाथों की नहीं खाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। और ये जो ये रोटियां बनी है ना, इनको हम घुग्गू बोलते हैं। देखिए घुग्गू मतलब छोटी रोटी, तो और जो बड़ी होती है उसको रोटी बोलते हैं, और उससे भी बड़ी होती है उसको हम रोट बोलते हैं। इनको चाव था ना बनाने भी, और ना फूली ना, देखो हमें बनाने कैसी बनती है मक्की की ना फूली, क्योंकि ये ना फूली नहीं, फूल गई वो, फूली है वो, फूली बने बने दोनों दोनों ने कि मैं बनाने सीखने की कैसे बनाते हैं मक्की की रोटी। ये तो फूल गई है ना, ये फूली, ये देखो इनका कुग्गू फूल गया है, दिखा दो। ऐसे ये दूसरी, उस दूसरी और इनका कुग्गू भी फूलेगा शायद। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अब सीखना तो आ गई ना इनसे कि हाँ बनेगी, बनानी बनानी आ गई, बनानी आ गई ना, और सीख लिया इन्होंने। तो सब ने एक एक ही बनाई और ये खाएंगे भी एक एक ही शायद। भाई लोग अभी विदा हो रहे हैं यहाँ से, ये देखिए सभी सड़क में खड़े हो चुके हैं, और हमने कहा था कि अभी आप लंच करके जाइएगा, पर ये लंच भी नहीं करते, मना करते हैं कि व्रत है इनके सबके। और भाई व्रत है ना आपके भी? नहीं जी, लंच कर तो लिया। झूठ बोल रहे हैं, ब्रेकफास्ट किया है इन्होंने, पर इस तरीके से लग रहा है कि इनके व्रत है ना। भाई साहब व्रत बोलते हैं उसको भी एक, हाँ इन भाई साहब के था व्रत तो, है ना? क्यों भाई जी आपके था ना, दो दिन का था ना मेरा, कल का व्रत, अच्छा शाम को खत्म होगा व्रत। हाँ तो अभी ये जा रहे हैं, और हमें बहुत अजीब जैसा लग रहा है, क्योंकि ये मतलब इनका ना, इनके साथ बात करके ऐसा लगा जैसे घर के मतलब आदमी है, और बस सेम वही है सारा, यही आदमी नहीं है, हैं पर है, पर तब हैं क्यों जा रहे हैं, तब नहीं जाना था ना, अगर तो वहाँ भी बच्चे हैं उनको भी देखना है ना। हाँ हाँ चलो ठीक है, फिर बाय कर लो भाई, बाय कर लो, बाय बाय भाई, बाय करो, बाय बाय। हाँ सच में एक जैसे लग रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि लड़ाका हूँ मैं। भाई मैं नहीं लड़ाका यार, मैं कहाँ लड़ाका हूँ, कौन है लड़ाका? ये बहुत सीधी है, लड़ती नहीं है, कौन ये बिल्कुल नहीं बोलती, बहुत सीधी है ये हमारे। ना ना ये मुझे बोल रहे हैं, ये बाकी नहीं, मुझे बोल रहे थे कि लड़ाकू, मैं नहीं हूँ यार लड़ाकू, मैं सेफ आदमी हूँ। इवन तो कैसे हैं आप लोग, अभी इवनिंग हुई है, तो गुड इवनिंग आप सभी के लिए। तो आज हमारे जो संजय भाई आए थे पिछले कल, तो वो अपनी फैमिली को साथ लेके, अपने रिश्तेदारों को साथ लेके आए थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा, और शायद उन्हें भी अच्छा लगा होगा क्योंकि उनकी बात वो जाने, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा था, सारे परिवार वालों को बहुत अच्छा लगा, और बहुत हंसी मजाक भी किया, और इन्होंने खाना भी हमारे साथ बनाने की कोशिश की, बनाया भी, अच्छा लगा हमें, ऐसा लगा कि जैसे घर के ही सदस्य हों, तो इतना अच्छा जब हमें लगा ना, तो अभी जब वो गए तो हमें इतना अजीब जैसा लग रहा है, जैसे घर बिल्कुल खाली खाली सा है,
तो यार जितनी भी हमारी YouTube फैमिली है ना, सभी हमारे घर में आए। और जैसे ये संजय भाई आए थे पीछे, जैसे वो अपने नीरजा दीदी वगैरह आए थे, और कविता दीदी भी हमें इतना मानती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब YouTube फैमिली हम हमसे इतना प्यार करती है। तो नेचुरल सी बात है भाई, ये हम भी इतना ही मानते होंगे। और आप लोगों का प्यार जो है वो वीडियो पे हमें कमेंट के जरिए मिलता रहता है, और वो कमेंट जो है वो ऐसा नहीं लगता है, कमेंट तो होते हैं कमेंट ही, पर जो भी आप बात करते हैं कमेंट के जरिए हमारे से, वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे रियल जो है वो दिल से आपने बात की है, और उसका रिप्लाई भी हम देते हैं। पर आजकल तो मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई मैं दिहाड़ी का काम करता हूँ, वहाँ पे बिजी होता हूँ, फिर घर में आता हूँ तो बहुत थका होता हूँ। सच्ची बात बता रहा हूँ, अभी मेरे को इतनी आदत भी नहीं ना काम करने की, क्योंकि वो बैठे बैठे रहता था मैं सारा दिन, तो अभी काम पे जाता हूँ तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, मतलब उस परिस्थिति में ढलते हुए, सिचुएशन बोल रहा था मैं, परिस्थिति में बोल देता हूँ क्योंकि हिंदी में बात कर रहा था, तो उस परिस्थिति में ढलते हुए मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियो का पूरा आनंद लीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जिसे वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे से आगे जरूर शेयर करना। तो यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बाय, सी यू।